मजमा जोड़ने वाले साहब जमात हरकत में आए तो वहां जा जाकर मैं खुशामद करके अंदर लाओ, आ जाओ मैं जमात बन कर चलो, जमात के साथ खुदा की मदद है, हर एक के पास जमात बन के जाओ और उनसे प्यार मोहब्बत से समझा कर इन्हें मजमे में लाओ और मजमे तक पहुंचाओ। भाई एक देवता बैठने वाले वहां से आके आगे आ जाओ, आप हजरात वहां बैठोगे, आपके साथ दूसरे गांव वही बैठेंगे, आप मजमे में आइए, बदला में आपको यहाँ आने की तौफीक दी है, फिर मजमे में आके बैठना चाहिए। अपनी मर्जी पर तो दुनिया का काम करता तब भी आदमी के फायदे नहीं उठा सकता, दीन के काम में अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए, नबी के तरीके पर पास होनी चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत ये है कि आदमी मस्जिद में आगे बैठे मिलकर के बैठे, बीच में जगह न छोड़े। हाँ हिदायत तब मिलेगी, वही दुखी रोग होता जरूर, अगर ये लोग आपकी इताअत करेंगे अल्लाह का प्लान फरमा रहे प्यारे नबी, अगर ये आपकी इताअत करेंगे तो हिदायत पाएंगे। हर काम में हुजूर की इताअत जरूरी है, तरीके को चलना। हमारा हाल ये है मेरे भाइयों कि हमारी तो नमाजें हुजूर के तरीके पर नहीं है, अपनी मर्जी हम नमाजें पढ़ रहे हैं, कभी किसी मौलवी साहब से जाके पूछते भी नहीं कि हुजूर के तरीके पर नमाज कैसी होनी चाहिए, अपनी नमाजों को सही करने की जरूरत है। छोटा सिक्का भी चलता नहीं है, ऐसे नमाज भी हुजूर के तरीके के खिलाफ होगी तो अल्लाह के नहीं चलेगी। तबीयत की बात यही है कि हम मेहनत करके अपना ईमान पर मेहनत करके वो ईमान बनाए जो ईमान अल्लाह से चाह रहा है, ईमान के ताबे से ईमान वाला नहीं बनता आदमी, ईमान की मेहनत करके ईमान जैसे अल्लाह चाहता है ऐसा बनाए हो तो फिर वो ईमान वाला बनता है। अल्लाह ने कुरान पाक में कयामत तक के आने वाले इंसानों से एक बात को मुतालबा किया है कि ईमान ऐसा ईमान बनाओ और ऐसा ईमान लाओ जो ईमान मेरे नबी के सहाबा के पास था। मेरे नबी के सहाबा के पास जो ईमान था वो ईमान बिलगैब था, गैब पर ईमान, अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह की कुदरत नजर नहीं आती, इस पर यकीन करना, इस पर ईमान लाना, ये सब कुछ अल्लाह की जात है और अल्लाह ही कुदरत से सब कुछ हो रहा है, चाहे हमारी आंखें कहीं से भी होना देख रही हो, ये हमारे आंखों का धोखा है। हाँ इस धोखे से निकलना और नबी की खबर पर यकीन करना कि अल्लाह के नबी ने इस बात की खबर दी है, पूरी कायनात का एक ही मालिक है, वही करता धरता है, उसी के हाथ में सब कुछ है और उसी के कुदरत से सब कुछ हो रहा है और हर इंसान हर मखलूक उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है। इस यकीन को दिल में उतारना, हाँ ये मेहनत चाहता है। अल्लाह के नबी ने उस मेहनत में अपनी उम्र की हर फर्द को लगाया जिसके नतीजे में अंदर यकीन बना और ये इंसान की फितरत जो दिल में आता है आदमी वही करता है। दिल में बात आनी चाहिए, आदमी के लिए कदम उठाना आसान है। हाँ दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आदमी अल्लाह के नबी की बात पर चलेगा, जो अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह के नबी को पसंद है आदमी वही करेगा, हर काम में लिबास वही पहनेगा जो अल्लाह को पसंद है अल्लाह के नबी को पसंद है, चेहरा मौला ऐसा ही बनाएगा जैसे अल्लाह को पसंद है अल्लाह के नबी को पसंद है, कारोबार
ऐसे ही करेगा जैसे अल्लाह को अल्लाह के रसूल पसंद है। जिंदगी का हर काम इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक करेगा। यही बात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद कलिमा जिंदगी के हर शबे में कलमाना चाहिए। कलमाने के मतलब यह है कि जिंदगी के हर काम में अल्लाह का हुक्म देके आदमी है कि मेरे अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह के नबी का तरीका देखे कि मेरे नबी का क्या तरीका है इस काम में। इन दो की रियायत करके आदमी जिंदगी गुजारे। इसी का नाम अल्लाह का बंदा है और इसी का नाम इबादत है। आदमी जिंदगी के जिस काम में अल्लाह के हुक्म की रियायत और अल्लाह के रबी सलासम की तरीके को सीख कर उसके मुताबिक करेगा अल्लाह को खुश करने के नीयत से, वो इबादत है। मुसलमान का कोई काम दुनिया नहीं है। मुसलमान का कोई काम दुनिया नहीं, हर चीज हर अमल इबादत है। इबादत कब है? जब मुसलमान अपनी मर्जी के मुताबिक न करे, दुनिया के इंसानों को देखकर न करे, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे और अल्लाह के नबी के तरीके को सीख कर उसके मुताबिक करे और अल्लाह को राजी करने की नीयत से करे कि अल्लाह राजी हो, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं और दुनिया के लोगों से कुछ लेना देना नहीं, मेरा अल्लाह राजी हो हर काम में। जब ये तीन चीजें किसी अमल में आ जाए तो इबादत है। चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो शादी हो, चाहे खाना हो, पीना हो, चलने का चलना भी इबादत बन सकता है। अगर आदमी चलने में अल्लाह के हुक्मों की रियायत करे, नबी के तरीके में चले कि मेरे अल्लाह ने मुझे कुरान में हुक्म दिया है कि अकड़ के मत चलो, बोला तम से फिलकर दे मरा जमीन पर अकड़ कर मत चलो। अब आप भी जमीन पर अकड़ के नहीं चले और अल्लाह के नबी के तरीके पर चले। किताबों में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल कैसी थी, आप पूरा कदम उठा देते और पूरा कदम रखते थे, पूरा कदम उठाकर पूरा कदम रखते थे, यूं नहीं चलते थे आप एड़ी से कि पहले एड़ी रखी फिर सब नहीं पूरा बन जा। अब इसको कुछ कलम सही क्या है ये जब इसको ये अगर तकलीफ होता है इसको ही करो कुछ, ये तो बंद है। ये दो चीजें बस काफी है हर काम में, चलने में, बैठने में, खाने में खाओ। खाने से अल्लाह मना नहीं किया है, लेकिन खाना क्या खाना है, हलाल खाओ, हराम मत खाओ। खाने में खाना कौन सा हलाल है, कौन सा आराम है, ये तहकीक करो। कितने बाजारों में खाने मिलते हैं, इन बाजारों के खाने की तहकीक करो, इसमें क्या डाला गया है और ये खाने कौन से हैं। कंपनियों में से बहुत सी चीजें बन के आती हैं, चॉकलेट वॉकलेट पता नहीं क्या क्या, और खाने बनकर आते हैं रेडीमेड, इनको खाने से तहकीक करो। ये कंपनी बने इसमें कौन सा हिस्सा है, क्या क्या चीज डाली गई है, आराम चीज तो नहीं डाली गई इसमें। हाँ, बाहर मुल्कों में मुसलमान कोई भी चीज बगैर तहकीक के खरीदता नहीं है। इसलिए कि दीन के दुश्मन यहूदियों की पहली फिक्र यह है कि मुसलमान के पेट में हराम का लुकमा जाए, हराम जाना चाहिए। इसलिए बाहर मुल्कों में बाकायदा मुसलमान जो एक कानून बना के हर चीज का फार्मूला देखो अंदर क्या डाला गया है, फार्मूला देखते इसमें क्या डाला गया, उस फार्मूले के एतबार से वो है या गलत है उसको लेबोरेटरी में बाकायदा तहकीक करते हैं।
तकलीफ करने का मुझे इतमान होता है कि भला कम बनेगी, भला की ये हलाल है और ये खा सकते हैं। ये बाकायदा अपने पब्लिक में थोड़ा बाल काम करते हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी इसको समझते हैं। माएं जो है ना अपने बच्चों को स्कूल में भेजती है तो कहती है बेटा स्कूल में कोई भी चीज उसको खाने को दे, वहां खाना मत, यहाँ घर लाना, और यहाँ घर लाके फिर हम कहें तो खाई हो। उनके बच्चे वहां जो भी चॉकलेट वॉकलेट खाने की जो भी चीज दे वो कभी वहां खाते नहीं है, अपने दफ्तर में लेकर आते घर और माँ को दिखाते अम्मा ये खाओ, फिर वो माँ देखती है उसका बाल मुला के हलाल के हराम है। अब वो सारी पॉलिटी सारी पॉलिटी मत देख हलाल है कि नहीं है, फिर बाद में सारी पॉलिटी देख लो। हाँ कंपनी कंपनी कौन है कौन है, ये तेरे दीन को खत्म करने की स्कीम तो नहीं सोच रही है। खाने में कमाना हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं, और जो चीज खा रहे वो हलाल होनी चाहिए। हाँ अब एक आदमी चोर है, वो चोरी करके रहा है भूख मुर्गियां और अब बेच रहा है, तो मुर्गियां तो हलाल है लेकिन तरीका गलत है ना, हराम तरीके से नहीं। चोरी का माल खरीदना भी हराम है अगर पता हो तो, चाहे वो बंगला चाहे कुछ भी हो। हलाल कमाना फर्ज है, और हलाल कमाने की आपकी कोशिश करेगा उसको इतना सब अल्लाह देगा जितना फर्ज अदा करता है। नमाज फर्ज अदा करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, उस फर्ज नमाज में कितना सवाब देता है अल्लाह, ऐसे इतना स्वाब ये हलाल तरीके से कमाएगा ही पल्ला देगा। हलाल कमाओगे अल्लाह इसमें बरकत देगा, और ये हलाल के रूप में जब पेट में जाएंगे तो इससे अल्लाह की इताअत का और खुदा की बंदगी का जज्बा पैदा होगा। हाँ फिर गुनाहों के जज्बात भी पैदा होंगे, वहां घूमने जाओ वहां घूमने जाओ वो देखने जाओ वो देखने जाओ, वो नहीं होगा। अंदर अल्लाह की इताअत का बंदगी का नेक कामों के करने का ये जज्बा अंदर हलाल कमाई से पैदा होगा। हलाल कमाई से बच्चों को पालोगे ना तो ये बच्चे तुम्हारे फर्माबरदार बनेंगे। इसे बंद करो ना यार, ये इसको बंद कर दो, ये होंगे जो जरा रखी तुमने इतना काफी लाइट सबको परेशान कर रही है, कीड़े हमें इसकी जरूरत है। मेरे पास समझ आ रही है। हाँ ये जो आजकल हमारी जिंदगियों में गुनाहों के जज्बे पैदा होते हैं, हमारे बच्चे नाफरमान होते हैं, हमारी बीवियां हमारी औरतें बेकाबू हो रही हैं, उससे एक एक वजह यह है कि हमारे कमाने में एहतियात नहीं है। कमाने में एहतियात नहीं है कि कहीं हराम काम ना हो, झूठ ना बोलो, मैं किसी को धोखा ना दो, मेरी कमाई गलत ना हो जाए। सूद और मैं दोस्तों दूसरी लाइन से मेरी कमाई ना हो। और ये बात याद रखो, हर एक की कमाई हर एक की रोजी अल्लाह के तय है, उतनी रोजी उसको मिलेगी जितनी उसने तय की है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। और अल्लाह ने अपने बंदों की जो रोजी तय की है वो हलाल की है, हराम नहीं की है। हाँ आज भी जब हलाल रोजी कमाने की फिक्र और नियत करके कोशिश करेगा और अपने आप को हराम से बचने के लिए फिक्र करेगा, अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। इसलिए भाई मेरा नसीब लो,
ये हम अपनी जिंदगी को हमें अल्लाह ने दुनिया में इबादत और इताअत के लिए पैदा किया है। मुसलमान और गैर मुस्लिम का फर्क ये है, वो भी दुनिया में कमाने अपनी दुकानों में कारोबार में जाता है, और मुसलमान भी दुनिया में कामा कमाने के लिए अपनी रोजी के लिए जाता है। दोनों के जाने में फर्क है, वो माल और दुनिया कमाने की नीयत से जाता है और उसके अब कोई कायदा नहीं है, हलाल हराम भी कोई नहीं है। और मुसलमान अपने कारोबार में जाता है अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करूं और उसको हासिल करने की मेहनत करूं, उसके लिए अस्बाब इख्तियार करूं। हाँ, जो कारोबार जाएगा जाएगा वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने जाएगा, और अल्लाह का हुक्म पूरा करने जब जाएगा तो कारोबार में अल्लाह ने जैसे कहा ऐसे लगेगा। जब अल्लाह चाहेगा तब लगेगा, अजान हो गई कि मेरे अल्लाह ने मेरा हुक्म यह आया है कि मैं अपनी दुकान को छोड़कर नमाज पढ़ने जाऊं, वो अपनी दुकान को छोड़ के जाएगा नमाज पढ़ने। अब नमाज अपनी नहीं छोड़ेगा, हाँ अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। जब ये अपनी कारोबार में कपड़े पहनने हैं, लेकिन कैसे है कि जैसे अल्लाह का हुक्म है और नबी ने उसको बताया है कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हमारे कपड़े की हद है, हम अगर सलवार पहनेंगे तो सलवार की हद बताई हुजूर ने साहबा को कि या तो तुम अपनी सलवार को आधी पिन्नी तक रखो या इससे और नीचे रखो, या फिर तुम अपनी इजाज को तुम्हारे पंजे का जो तुम्हारी जो उबड़ी हुई हड्डियां हैं जिसको कहते हैं घूटी, इस घूटी तक अपनी इजार को रखो, इससे नीचे की गुंजाइश नहीं है मर्द के लिए। और औरतों के लिए घूटे से ऊपर पहनने की गुंजाइश नहीं है, उन्हें घूटी छुपानी है। घूटी समझते हो वंश किसको कहते हो घूटी? हाँ, ये उभरी होगी, ये तो जो उभरी हुई है ना इसको घूटी कहते हैं। इसको अरबी में काफ कहते हैं। अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया माँ कहकर काबाई ने बहु फिरना, जो घूटी से नीचे अपनी इजार को अपनी सुरवाल को अपनी लुंगी को करेगा वो जहन्नम में जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है। हमारे बड़े बड़े बूढ़े हो गए, 60-70 के साल उम्र हो गए, अभी तक उनकी इज्जत उनकी नहीं हुई। और हुजूर ने एक मतलब एक सहाबी नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के वो आए तो जाओ फिर से नमाज पढ़ो, आपने वाइस किया नमाज पढ़ने के लिए, वो नमाज पढ़ के फिर आए आप फिर जाके पढ़ो, भाई नमाज नहीं हुई। 3 मरतबा हुजूर ने वापस किया उनको। वो सहाबी ने आगे हुजूर मुझे पता नहीं आप मेरी भूल कौन सी है जिसकी वजह से मेरी नमाज लौटा रहे हैं। हुजूर ने कहा ये तेरी इजार ये तेरी लुंगी नीचे है, घूटे से नीचे है, इसे ऊंची कर और नमाज पढ़। लेकिन ये ऊंची करना नमाज में नहीं है, बाहर भी हमारी इजार ऊंची रहनी चाहिए। हर चीज का हमारे यहां एक हद है। इसलिए मेरे भाई मेरे अजीजों, ये जिंदगी में सीखने की जरूरत है। मरने से पहले मौका है, मरने के बाद फिर आग में पछताएगा यहां सही जिंदगी करके गया नहीं। हाँ, ईमान ऐसा बनाना जिस ईमान का मुतालबा अल्लाह ने किया है, ईमान बनाने से बनेगा। हाँ, अल्लाह तआला शानों ने हिदायत के लिए और ईमान के लिए मेहनत तो शर्त करार दिया है कि मेहनत करो। नदी रजा रूफीना, जो हमारे रास्ते में हमारे नदी के तरीके पर मेहनत करेगा हम उसको जरूर हिदायत देते रहेंगे।
अपनी ईमान को बनाना। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से नमाज कौन सी मांगी? आपने फरमाया सल्लू कमा रअइतुमुनी नहीं उसली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देख रहे हो ऐसी नमाज पढ़ो। कभी जाके किसी मौलवी साहब से पूछा कि हुजूर की नमाज कैसी होती थी? हाँ, हुजूर ने जैसे नमाज पढ़ी है, नमाज में आप खड़े कैसे रहे हैं, वो सब किताबों में मौजूद है हदीस की। हुजूर का कयाम आप खड़े कैसे रहते थे, आप रुकू में रुकू कैसे करते थे, आप रुकू से जब खड़े होते तो कितना देर खड़े रहते थे, आप सज्दे में कैसे जाते थे और सज्दा कैसा करते थे। एक एक चीज हदीस की किताबों में सावन महबूद की है। अल्लाह ने जो कहा मेरी नमाज मेरी जैसी नमाज पढ़ो, तो अल्लाह ने उसको कयाम तक महबूद किया है। अपनी नमाज को सीखना, उस ऐसी नमाज बनाना, जाहिर में हमारा रुकू सही हो, हमारा सज्दा सही हो, हमारा कयाम सही हो, ये नहीं कि अगर जैसे में खड़े हो गए। जब हम छोटे बच्चे थे उस जमाने में मदरसे में तारीख इस्लाम जब पढ़ते थे तो उस्ताद उनको कहते थे कि जब खड़े रहो ना तो दोनों कदमों के दरमियान में चार उंगल जगह रखो, ज्यादा छोड़े मत रखो। शिकायत याद हो गया था। और हमारे तौर पर सिखाई जाती नमाज कैसे खड़ा होना। आदमी अल्लाह के सामने ऐसे खड़ा हो जैसे कि कोई आजीज आदमी खड़ा होता है। दुनिया में बड़े लोग होते हैं उनके पास सामने आदमी कैसे खड़ा होता है ना? अल्लाह से खड़ा होता है। नमाज में तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, अदब से खड़ा होना चाहिए, सीना तान के नहीं खड़ा होना चाहिए, झुक के खड़ा होना चाहिए, आपके हाथ कहां बांधना, नाप के नीचे हाथ होने चाहिए, दोनों हाथ नाप के नीचे होने चाहिए नहीं। अजीब अजीब तरह से आदमी नमाज पढ़ता है। हमारा तो एक ही तरीका नमाज का, वो अल्लाह के जरिए तरीका है और कोई तरीका नहीं है। उसे समझना सीखना, ये जमात से निकलना इसलिए है हमारा कलमा सही हो, हमारा ईमान सही बन जाए। ऐसा इतना ईमान हमारे दिल में पैदा हो जाए कि जो ईमान हमें हराम से बचा दे, जो ईमान हमें अल्लाह के फराइज पे खड़ा कर दे, जो ईमान हमें दुकान पर जाने से पहले दिल में ये बात पैदा करे मुझे हलाल कमाना है, मुझे हराम नहीं कमाना। इस ईमान से हमारा ईमानी जज्बा बने। ईमानी जज्बा क्या है? ईमानी जज्बा यह है कि हर काम के करने से पहले अल्लाह का हुक्म मालूम करें, अल्लाह का क्या हुक्म है। बच्चों की शादियां करते हो तो शादियों की पहले ये पूछो अल्लाह का क्या हुक्म है, शादी हमें बच्चों की कैसी करनी चाहिए, नबी का क्या तरीका है। अगर अपनी शादियों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के नबी के तरीके में करोगे तो तुम्हारी इन शादियों में बरकत आएगी और तुम्हारे घर के झगड़े खत्म होंगे। शादी मामूल शादी से कमल है, इसका असर है और उसका असर यही है मेरे दोस्तों कि अगर उस तरीके से शादियां करोगे तो तुम्हारे लड़कों लड़कियों में आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह राले का मोहब्बत, एक दूसरे मददगार बनेंगे। ये शादियां तुम्हारे खानदानों में झगड़े का जरिए नहीं बनेगी, बल्कि ये शादियां तुम्हारे खानदानों में मोहब्बत मोहब्बत के पैदा होने के जरिए बनेंगे। अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया आज़म निकाह इबादत आयशा रूह मा उमरा, कि वो
उस निकाह में अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी बरकत डाली जाती है जो निकाह सादा हो, जिसमें सादगी हो, कम खर्चा हो, लोगों को तकलीफ कम हो रही हो, आपकी हर चीज को नबी के जरिए में बनाना। यह तबलीग की मेहनत का मकसद यह है कि हमारा हर मुसलमान भाई अपनी जिंदगी को अल्लाह की ताक वाली बनाए और अपनी जिंदगी का हर काम रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक और सुबह से उठकर शाम को सोने तक जितने काम कर रहा है वो काम अपनी मर्जी से न करे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे और नबी के तरीके पर करे। इसका नाम मुसलमान इसको कहते हैं जिसकी जिंदगी में इस्लाम हो, इस्लाम के माने जिसके नबी जिंदगी में अपने नबी के तरीका हो। हुजूर ने पेशाब करने का तरीका बताया कि अगर तुम पेशाब करने जाओ तो पेशाब ऐसी जगह करो जहां पर्दा हो, पर्दे में। ये जो मेरे दोस्त मस्जिदों में पेशाब खाने बना रहे हैं, इन्हें मेरे दोस्त इसका ख्याल रखे, पेशाब खाने बनाने चाहिए इतने ऊंचे भी ना हो जिससे रास्ते में चलता हो शर्मगा देखे, और ऐसे 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 पेशाब खाने ना हो कि जिससे छींटे ऊपर आवे। फिर गिरोह पर ना हो, ये सब चीज का ख्याल रखना होगा। आपने फरमाया पेशाब करने बैठो तो नीची जगह पर पेशाब करो, ऊपर मत करो, ऊपर करोगे छींटे आएंगे। खड़े होकर पेशाब न करो, आपकी जगह में पेशाब करने बैठता है तो वहां आपने फरमाया कि जमीन नरम जमीन के ऊपर पेशाब करो ताकि उसके तुम्हारे 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 पेशाब की जो धार है उससे तुम्हारे तरफ छींटे ना आए। पत्थर पर पेशाब न करो, जंगल है उस वहां किसी जानवर का सुराख हो तो उसमें पेशाब न करो, हो सकता है वो जानवर अंदर हो तो पेशाब करने बैठो और पेशाब के बाद वो बाहर की तरफ डस ले। हवा के रूप पर बैठ के शराब पेशाब न करो, हवा के रूप पर अगर पेशाब करेगा तो हवा के जरिए वो पेशाब उसकी तरफ आएगी। हाँ, हुज़ूर ने ही फरमाया पेशाब इस ध्यान और ख्याल से करो कि इससे छींटे तुम्हारे करना है। इस बाउल कई नाम बताला और कब लेकिन हो, पेशाब करते हुए पेशाब के छींटों से बचो, इसलिए कि जो लोग पेशाब में पेशाब के छींटों से नहीं बचते उन्हें कब्र का आजाद होगा। अपने घर की औरतों को तालीम दो, छोटे बच्चे पैदा होते हैं पेशाब से अपने आप को बचाओ बच्चों के छींटों से। बाकी आधा ईमान है, मुसलमान नापाक नहीं रहता। अब तहूर शतुर ईमान पाक रहना आधा ईमान है। जो लोग अपनी जाहिरी पाकी को रखते हैं, जाहिरी पाकी का ख्याल रखते हैं तो फिर इनके अंदर क्या हो, इनका अंदर भी पाक हो जाता है। और जो जाहिर में नापाक रहते हैं पेशाब किया छींटा नहीं किया अभी जिंदगी गुजर रही मेरे भाइयों, तो अंदर भी वही नापाक होता है। नमाज पढ़ोगे तो पाक रहोगे पहली बार। आज जब बहुत है हमारे भाई जब के भाई क्या बता हमारे जब और पाकी रहती रहती नमाज नहीं पढ़ाती, नमाज तेरे पर नाम फर्ज की है और नमाज जब फर्ज है तो पाक रहना भी फर्ज है तेरे लिए। अगर पाक रहेंगे कैसे नमाज पढ़ेगा तो हमें गैर उसमें क्या फर्क है। ये चीज ये फिक्र पैदा होती ईमान ईमानी मेहनत है आदमी की सोच। आदमी जिंदगी में बात की सोच रखिएगा कि मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, ईमान कह रहे थे किसी को तकलीफ पहुंचाना हराम है।
फिर आपकी मोटरसाइकिल हटने से पहले सोचेगा कि किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। मैं रास्ते में तो गाड़ी लग रहा हूँ जिससे लोगों को तकलीफ हो। आदमी खड़े होने से पहले सोचेगा कि मैं खड़े होकर बातें कर रहा हूँ इससे आगे जनों को तकलीफ तो नहीं होगी। घर में कोई सोया हुआ है सोने वाला को तकलीफ तो नहीं होगी, उसकी आंख तो नहीं खुल जाएगी इतने जोर से प्राप्त होगा। तो यह है इस्लाम। इस्लाम में हुस्न माशरत है, कल्चर ऐसा कल्चर होना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हर एक को बात हो जाए। आदमी के अंदर का जज्बा ही हो, यही चीज अपने बच्चों को तालीम दो कि बेटा इस तरह से गुजारनी चाहिए, हमारे देश को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, खेलो इस तरह खेलो। बच्चों के मतलब तो बच्चा है, बच्चे को जैसा समझाओगे ऐसा समझेगा। बचपन से इसकी तरबियत होनी चाहिए। जी हाँ, खाने अपने साथ लेके बैठे तो उसको सही तरह खाना खिलाओ, तो मेरा खाना इस तरह खाना चाहिए, छोटे लोग में लो अपने सामने से खाओ, इसमें तो बोलो हाथ धो, खाने से पहले तो हाथ धोने की हाथ धुलाओ, खाना खाने का फिर हाथ जरूर जब ताकि अपने ऐसा आएगी। अच्छा पानी पिए खड़ा था तो उसको खाओ बेटा, नहीं बैठ के पानी पियो, धन ऐसे पियो। जब अपने बच्चों को आप कुछ टोकते रहोगे कहते रहोगे तो उनको इसकी आदत हो जाएगी। बस पहले से जो समझाओगे जो सिखाओगे वो पत्थर की लगी बनेगा। ये हमारे जिम्मे है ये सब सिखाना। कुरान में अल्लाह का हुक्म है, यही अल्लाह जी नाम मानो वो अनफुजों को वाली को नारा, कोई ईमान वालो अपने को और अपने आप औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है, अदाली नसीब फरमाते हैं कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ का क्या मतलब है। फरमाया कि खुद भी दीन सीखो, नबी के गले से कहा कि ज्ञान है वो खुद उस तरीके को सीखो और अपने आल औलाद को भी सिखाओ। हमारे जिम्मे है अल्लाह ने तो बच्चा घर में पैदा होने के दिन से हमको कहा है कि तुम्हारे बच्चों के कानों में अल्लाह की बड़ाई अजमत अल्लाह की तौहीद आखिरत ये बातें उनको सुना सुना के दिलों में उतारो। ये जो आप कहते हो ना कि छोटा बच्चा क्या नहीं सब समझता है, इसके कान में जो बात जाएगी वो अंदर उतरेगी। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गुजराती जबान सुनता सुनते गुजराती जबान बोलता है, नहीं समझता तो कहां से बोलता है। भाई मेरे अजीज लो ये एक मेहनत है, ये यू नहीं है सुनाओ चलो, ये तो मेरे दोस्तों हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है कि हमने अपना दीन नहीं सीखा है, अपने ईमान पर हमने इतनी मेहनत नहीं की है जो ईमान हमें सही जिंदगी गुजारने पर आए। हम चाहते भी हैं कि सही जिंदगी गुजारे लेकिन होता नहीं है, हमारे घरों का माहौल दिन ब दिन बिगड़ रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के जज्बात वही हो रहे हैं जो देख रहे हैं। जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों को बचपन से इस्लामी लिबास पहनाती हैं वही इस्लामी लिबास पहनते बच्चे और उसी भी लिबास को पहनते पहनते जवान होते हैं और उनका शौक यही होता है कि हमारे हमें ये लिबास पहनना चाहिए। हदीस बंदा को नहीं खत्म आया है
बोलो मौलूद द्वारा फितरा, हर बच्चा इस्लामी फितर तो पैदा होता है, हर बच्चा इस्लामी फितर तो पैदा होता है, यानी उसमें हज के कबूल करने की ताकत होती है। बापुआ भी हो गया नहीं, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, वही में किसानी और मजूसी बनाते हैं, सिरा और नसरानी बनाते हैं। माँ बाप में जो होता है वही चीज बच्चों के अंदर आती है, माँ बाप जो बोलते हैं वो बच्चों के अंदर आता है, माँ बाप के जो जज्बात होते हैं उनके जज्बात बनते हैं। आप देखें कि जब बाप नाराजी होता है तो छोटा बच्चा भी सीधा मस्जिद में जाता है। हाँ, बाप वह तस्बीह पढ़ता है, माँ तस्बीह पढ़ती है, वो बच्चा तस्बीह मांगता है। अपने घर का माहौल वो माहौल बनाया जाए जिस माहौल में हमारे मेरे बच्चे मुसलमान मुसलमानी जिंदगी को लेकर चलने वाले बने। हाँ, इसकी एक मेहनत है, ये भी नहीं है कि चार महीने आपसे मांगे ऐसे नहीं मांग रहे, इसलिए कि हर चीज तो उसकी मेहनत से हासिल होगी, उसका जो तरीका है उस तरीके में करोगे तो मिलेगी। ईमान ईमान तो नदी वाले तरीके पर मेहनत करने से आएगा, दीन नदी वाली मेहनत के तरीके से हम मेहनत करेंगे हमारी जिंदगी में दीन आएगा, हमारे घरों में दीन आएगा, और जब दीन आएगा तो दीन अपनी तमाम खैर बरकत को लेकर आएगा। हाँ, दीन वो तमाम नफे लेकर आएगा। अल्लाह ने दीन में आपस की मोहब्बत रखी है, जब दीन जिंदगी में आएगा आपस मोहब्बत आएंगे, दुश्मनियां खत्म होंगी, एक दूसरे की हमदर्दी के जज्बे पैदा होंगे, भले एक दूसरे की हमदर्दी चलेगा, एक दूसरे के कसूर और एक दूसरे के वेदों कमजोरियां माफ करने के जज्बा पैदा होंगे। मुसलमान बदला नहीं लेता, मुसलमान तो अपने भाई को माफ कर दिया करता है, और मेरे नबी की मुसलमान को अपने उम्मत को यही तालीम है। आपने अपनी उम्र से फरमाया सिलमन खता, जो तुझसे तोड़ पैदा करे तो उससे जोड़ पैदा कर, तोड़ मत पैदा कर, लड़ मत, लड़ने वाले के साथ लड़ मत, और तेरे से तो ताल्लुक तोड़े तो उससे तो ताल्लुक तोड़ मत, बल्कि तो अपने ताल्लुकात को जोड़ने की कोशिश कर। सिलमन खता, जो तुझसे तोड़े उससे तो जोड़ पैदा कर, वाह वाहमन गलम, जो तुझ पर जुर्म करे उसे माफ कर दिया कर, बदला लेने की चक्कर मत पर। अगर बदला लेने के चक्कर में पड़ेगा तो उसने जितना तुझे सताए से ज्यादा सताएगा तो तू जाने होगा, तुझे अल्लाह के अंतिमों का बदला देना पड़ेगा। अब तू माफ कर देगा तो तुझे माफ करने का अल्लाह सवाब देगा, और तूने अपने भाई को अगर माफ कर दिया तो भाई तुझे मोहब्बत करेगा। यह मैंने बहुत बताया, लेकिन इसने मुझे जरूरत की है, वो तेरे पीछे लोगों से तेरी तारीफ करेगा कि यार आदमी अच्छा है। हाँ, वाह मन दादा मत, तू उस पर जो जुर्म कर तो माफ कर दे। वासी निला मनसा ले, और जो तेरे साथ बुराई का बर्ताव करे उसके साथ वो अच्छा बर्ताव रखे। हेलो भैया, ये हमारा माशरा है। वाद मन हरम, जो तुझे महरूम रखे उसे तू दे, ये नहीं ये रंग ये हजम गया तो मेरे घर में खजूर ले भी नहीं दे दूंगा, इसके बच्चों के शादी में मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं बुलाऊंगा, ये नहीं हमारा। हमें नबी ने तालीम दी है, अगर लोग तुम्हें अपनी अता से महरूम रखे तो उनको दो। और फिर आपने फरमाया जिसमें ये सिफत पैदा हो जाएगी अल्लाह ताला उसका हिसाब आसान कर देगा।
थी, ये तीन चीजें तोड़ने वाले के साथ जुर्म पैदा करना, जुर्म करने वालों को माफ कर देना, बुराई का बर्ताव करने वाले से अच्छा अच्छाई का बर्ताव करना, अगर ये तीन सिफत किसी में आ गई तो अल्लाह उसका हिसाब आसान कर देंगे। कयामत के लिए मामले की नहीं है। हम भी जान में राजा सिद्धि प्रधान है, हुजूर से पूछा हिसाब ही ऐसी आसान हिसाब हो, इसका क्या मतलब है? अब आसान जब हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया, आयशा कयामत के लिए खुद आपके इन बंदों को हिसाब के लिए पर्दे के पीछे बुलाएगा और पर्दे के पीछे हिसाब देगा इनका, और इनकी जितनी गलतियां गुना है वो बदला गिनाएगा, मेरे बंदे तूने दुनिया में ये भी किया और ये खड़ा करेगा, तूने ये भी किया हुआ है। अल्लाह उसके तमाम इसके गुनाहों को उसे याद दिलाकर और उसे पूछेगा और खड़ा करेगा, फिर अल्लाह ताला कहेगा तेरे इन तमाम गुनाहों पर मैंने दुनिया में पोटा डाला था, सत्तारी का मामला किया था, आज भी तेरे साथ सत्तारी का मामला करता हूँ, मैंने तेरे गुनाहों को पर पोटा डाल दिया, जा जन्नत को चला जा। मखलूक खल्क ऐसे देखेगी कि यार ये कैसा बेगुनाह आदमी है, ये तो जन्नत चला गया, मामूली नहीं है। देखो आज हम आपस के मामला में जीरो है, नमाजी चाहे कितने भी है तहजुद गुजार है, लेकिन इन राइट सब में तो जीरो है। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को सताने की फिक्र में है। हमारा तो हाल ये है कि हम अच्छा हम नया घर बनाते हैं और नया घर बनाने के साथ लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ढाबे का पानी मेरे दोस्तों इस तरह इस पर लगाते हैं कि वो मेरे दोस्तों पानी रास्ते के ऊपर पड़ता है और लोगों को हमारा पानी सताता है, लाखों रुपए खर्च किए लेकिन इतना इसने नहीं किया कि मेरे ढाबे का पानी मैं पाइप के जरिए नीचे उतारूं। इंजीनियर को किसका पता नहीं है, तुम बताओ इसे, तुम बताओ इसे कि देखो ऊपर का पानी नीचे लाने के लिए बाकायदा बंदे की सब्जी बनाए। आदमी अपने घर वाले को नहीं समझाता ये बर्तन का धोया पानी डालने से पहले देखा कर कोई आ जा रहा हो, तेरे पानी के छीटों को न उड़े। ये सब में तो अल्लाह ने अल्लाह समझ लेती है। ये जब दीन की मेहनत करोगे और नबी वाली मेहनत करोगे और जब ये नूर अंदर उतरेगा और आदमी में आखिरत और अल्लाह अल्लाह के रसूल आखिरत की मोहब्बत निभाएगी तो मेरे भाई दिल हमारी सोच दीनी बन जाएगी, हमारे जज्बात दोस्तों दीनी बनेंगे, और जब हम सब में ये दीनी जज्बात पैदा होंगे, एक दूसरे को हालात पहुंचाना एक दूसरे के काम आने के जज्बात पैदा होंगे, तो फिर आपस में मोहब्बतें कायम होंगी और इस मोहब्बत में मुश्किल से मुश्किल जिंदगी आसान हो जाएगी। और दुनिया में खुदा हमें इज्जत देगा, दुनिया में अच्छे आदमी को हर एक पसंद करता है और अच्छे आदमी को ही चाहता है। तुम्हारे बच्चों को तुम स्कूलों में दाखिल करने जाते हो ना तो पहले कैरेक्टर देखते हैं, इसका कैरेक्टर कैसा है। तुम अपनी नौकरों में अपने दुकानों में नौकर देखते हो ना तो उसका कैरेक्टर देखते हो, उसके इसकी जिंदगी कैसी है, चोर तो नहीं है ये। जिम्मेदारी को समझता नहीं समझता। हाँ, लड़की रात किसी की तो उस लड़की का मैं दोस्तों होता जो बाकी बात है कैरेक्टर पहले देखते हो। लड़की देखते हो ना तो उस लड़के का कैरेक्टर बड़े देखते हो, और आज हम कैरेक्टर में जीरो है। अल्लाह क्या
हमारा कैरेक्टर दीनी बने, इस्लामी बने, और इस इस्लामी जिंदगी के साथ रहोगे ना इन बिरादर आजम के बीच में, तो भी बिरादर आजम हमें मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। इसमें भाइयों जिंदगी हम में आए, हमारी औलाद में आए, और एक एक मुसलमान जिंदगी में आए, इसके लिए हम नबी वाली मेहनत को जिंदा करें। नबी वाली मेहनत छूटी है, जिंदगियों से नबी वाला तरीका और दीन निकला है, और जिसके नतीजे में हम दुनिया में जलील हुए हैं और जलील हो रहे हैं, और हमारी जिंदगियों में परेशानियां हैं और तंगियां हैं। यू ही नहीं है कि मौका देकर जमात में जाओ, नहीं, तो ईमान का सीखना तो फर्ज है, और दीन और जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस पर हमारी अल्लाह दुनिया का दुनिया की जिंदगी बनाने का अल्लाह का वादा है कि अल्लाह दुनिया की जिंदगी भी इनकी खुशहाल बना देंगे, और अल्लाह अगर आपके इन बंदों के लिए जमीन और आसमान से बरकतों के दरवाजे खोलेंगे, और अल्लाह अल्लाह की मदद इनके साथ हो जाएंगे, दुनिया भी खुदाई से खुशहाल, और इस जिंदगी को गुजारकर दुनिया से मर कर जाएंगे तो हमारी आखिरत जिंदगी बन जाएगी। मेरे भाइयों, एक दिन मरना है, मौत रोजाना करीब आ रही है, सोचो थोड़ी देर के लिए, अपनी जिंदगी पर गौर करो कि मैं पांच की नमाज में पाबंदी नहीं है, फजर की नमाज में सोता रहता हूँ, अल्लाह का इतना बड़ा हुक्म छोड़ता हूँ तोड़ता हूँ, इस हाल में मेरी मौत आ गई तो मेरा क्या होगा। जिस दिन मेरी फजर की नमाज गई और जोर से पहले मेरी मौत हो गई, मेरा क्या होगा। जनता की बारगाह में बेनमाजी होने की हालत ठोकूंगा, और हम पांच वक्त की नमाज छोड़ देते हैं, कजा कर देते हैं दुनिया के पीछे, हमारी मौत आएगी तो क्या होगा। दुनिया यही छूट जाएगी मेरे भाइयों, दुनिया यही छूट जाएगी। जिन लोगों ने इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन की मेहनत को छोड़ा और दीन इनकी जिंदगी से निकला, और जब मौत आएगी और दुनिया जब छूटेगी और आखिर की तरफ जो आमार काम आने वाले थे वही के पास होंगे नहीं, कि ये तो हसरत के मारे रोएंगे कि मैंने क्या किया, मैं मर कर जा रहा हूं, और जहां जा रहा हूं वो जो आमार काम आने वाले थे उसके मैंने उसको मैंने किए नहीं है। इस दुनिया के चक्कर में उन आमार को छोड़ा है मैंने, और जिस दुनिया को जमा किया वो दुनिया तो छूट गई है, ये मेरे साथ नहीं आ रही है, मेरा क्या होगा। मेरे भाइयों, ये बात है, हक है, रोजाना नमाज, रोजाना हमारी हमारी मौत हमारे करीब, हम मौत से काबिल है, मौत हमसे काबिल नहीं है। इस हक कब आ जाए, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक की मौत से पना मांगी है, अचानक की मौत से बनाई, जो अचानक मौत आ गई, तोबा की न तोबा का मौका मिला, न वसीयत का मौका मिला, न कुछ किया। एक्सीडेंट की मौतें हो रही है आजकल, अचानक की मौत है, कुछ आदमी बन जाता नहीं होता, ये मर जाता है, हार्ट अटैक अचानक की मौत है, कोरोना ऐसी बीमारियां खुदा ने दुनिया में डाली है। अजीजो, अल्लाह के लिए अपने हाथ में रहम खाएं, अपनी औलाद पे रहम खाओ, खुदा की कसम इन औलाद पे चाहे दुनिया कितनी देके जाओगे, अगर दीन नहीं दिया तो दीन न होने की हालत में इनकी दुनिया दीन के बाद नहीं रहेगी, परेशान शिकार हो जाएगी। देखो, बादशाहों के बाद बादशाह थे, मुल्क थे, लेकिन जब मेहनतों से इन्होंने अल्लाह की नाफरमानियां की, अपने ख्वाहिशात के चक्कर में खुदा का दीन छोड़ा, दीन की मेहनत छोड़ी, एक वक्त आया इनका मुल्क इनके हाथ में रहा। आप
के अपने बच्चों में और अपने इलाकों में गौर करो। क्या यदि 20-40 साल पहले कुछ खानदान थे जिन खानदान को खुदा ने खुशहाल बनाया था और बहुत कुछ उनको दिया था, लेकिन उन्होंने अपने घरों में दीन को दाखिल नहीं किया, अपनी औलाद को दीनदार नहीं बनाया और दुनिया उनके हवाले करके गए। सालों में वो सब उनके बच्चे रह गया, उनकी और उनकी औलादें नौकरियां कर रही हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पीढ़ियां थी। हाँ, ये हमारी इबरत है, हम समझें कि अल्लाह ने जो दुनिया दे रखी है तो इस दुनिया के उसमें न बढ़े, अपनी जिंदगी में दीनदार है, अपनी औलाद को दीनदार बनाओ। डिग्रियां दिलाओ मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन दीनदार बनाओ, इनका ईमान बने, इनका इन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर दो कि मुसलमान मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये दुनिया में भला इंसान बन के भी है, इसकी फिक्र पहले करनी होगी आपको। हाँ, और वो होगा कब, जो तुमने होगा बच्चों में आएगा, तुम अल्लाह के दीन की मेहनत में लगोगे, जान मान लगाओ जमा तुम निकलोगे, ये बच्चे भी तुम्हारे देखकर निकलेंगे, इनमें दीन आएगा। दीन सीखने का रास्ता यही है, ईमान और दीन सीखने का रास्ता दौरे साहबों में यही था, अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन की मेहनत करना, ईमान की दावत की मेहनत करना और आपस में सीखना सिखाना और अल्लाह की बात और जिक्र में अपने आप को मजबूत रखना और अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव और मेरे दोस्तों से सलूक करना, ये चीजें मेरे दोस्तों सहाबा ने अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत में अपनी जिंदगी में पैदा किया, दीन सीखा उन्होंने। हमारा हाल ये है कि हम समझते छोटे बच्चों को सिखाओ, छोटे बच्चों को तो बाद में सिखाओ, पहले तुम सीखो, और हमें शैतान ने यह धोखा दे रखा है कि हम बरसों में चंदा दे देते हैं और मेरे दोस्त गरीबों को गरीब पर खर्च करते हैं तो क्या कहते हैं, अल्लाह ने आपको खर्च करी जब कर ही रहते हैं और नमाज का ठिकाना नहीं है, नमाज सही नहीं है, 24 घंटे की जिंदगी का कोई पता ही नहीं है। तो हमारा बच्चा मौली बन गया तो उसके मौली बनाने का सवाब तो तुम मिलेगा, लेकिन इल्म के सीखने का फरीजा तुमसे साबित नहीं होगा। हर आदमी को इतना दीन का इल्म सीखना फर्ज है कि जिस शोबे में वो रहता है उसमें हलाल और हराम क्या है इसकी उसको समझ होनी चाहिए। कारोबार कर रहे हो तो कारोबार में हलाल हराम क्या है ये सीखना समझना और उसके एतबार से अपने कारोबार का करना ये हमारे जिम्मे है। मैं जवान हूं अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब मेरा निकाह हुआ है, निकाह हुआ मेरे घर में मेरी बीवी आई है, अब मेरी जिम्मेदारी क्या है समझना सीखना मेरे जिम्मे है, उसके हकूक क्या है मेरे ऊपर। हाँ, घर में बहू आई तो अब सास को ये सीखना जरूरी है कि मैं अपनी बहू से कितना काम ले सकती हूं, और माँ बाप के जिम्मे है कि अपने बच्चों को समझाकर भेजे कि तुम किसी दूसरे घर में जा रही हो तो तुम्हारी सास का तुम पर क्या हाल है, ये सिखाना हमारे जिम्मे है और सीखना जरूरी है। औलाद हुई, औलाद की तबीयत के बारे में सीखना जरूरी है, माँ हमें कि हमें अपनी औलाद की तबीयत कैसे करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म दिया कि जब तुम्हारी औलाद पैदा हो इस औलाद का अच्छा नाम रखो, जैसे जैसे नाम रखो अच्छा नाम, उसकी अच्छी तालीम दो, उसके दीन सिखाओ, अखलाक सिखाओ, तुम्हारे जिम्मे है। और जब तुम्हारा जवान तुम्हारा बच्चा जवान हो जाए तो उसे किसी नेक बदल की ख्याल कर इसका जोड़ा कर दो, ये हमारे जिम्मे है, ये सब सीखना चाहिए हमें, ये अल्लाह के रास्ते की मदद में सब चीज में दोस्तों आदमी को समझना दे दो। और फिर मैं दोस्तों दीन सीख कर दीन की जिंदगी दीन को जिंदगी मिलेगी, मौत मौत आएगी तो ये मौत हमारे बड़ी खुश शहादत की मौत होगी, दुनिया से ऐसे जाओगे, दुनिया
दुनिया से हस्ता हो जाएगा आदमी, जब आदमी दीनदार बनता है और ईमान ईमानी जिंदगी के साथ भी गुजारता है, अल्लाह के दीन के तकाजों को पूरा करता है, जब उसकी मौत का करीब आता है तो अल्लाह ताला शानो मलक मौत से मलकुल मौत से कहते हैं मेरा फला बंदा, उस मेरे फला बंदे की रूह निकाल कर ले आओ। मैंने उसे दुनिया में हर लाइन से जांचा और हालात से गुजारा, मेरे बंदे ने उसका सब्र किया और मेरे अकाउंट पर जमा रहा, अब मेरा जी चाहता है मैं उसे राहत पहुंचाऊं, तो मेरे बंदे की रूह निकाल कर ले आओ। ये बिल्कुल मौत अल्लाह की बारगाह से ही बात सुनते हैं कि ये बंदा तो अल्लाह को प्यारा है, अल्लाह का प्यारा बंदा है, तो मलकुल मौत इसकी रूह निकालने के आता है तो बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रूह निकालता है। ऐसे बंदों की जब मौत का करीब आता है तो मलकुल मौत 500 फरिश्ते नूरानी देकर साथ आते हैं इनकी रूह निकालने के लिए, और 500 फरिश्तों के हाथों में रैहान के गुलदस्ते होते हैं, इसमें 20-20 किस्म के कलर के फूल होते हैं और फूल में खुशबू अलग अलग होती है, ऐसे मेरे तो एजाज के साथ इनकी रूह निकाली जाती है। ये 500 वरिष्ठ आकर इसको चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं और मोहब्बत से उसके जिस्म पर हाथ रखते हैं। हाँ, और बिल्कुल मौत साथ तो सलाम, रेशमी रुमाल और उसने मुश्क जन्नत का मुश्क लेकर आते हैं और इसके थोड़े के नीचे रखते हैं, इसे सुनाते हैं। हाँ, और फिर कहते हैं मुबारक हो तो अल्लाह की तरफ चल, जिसने तेरे लिए ऐसी ऐसी जन्नतें तैयार रखी हैं, उसे जन्नत दिखाई जाती है, यहां जन्नत है, इस सगीर दुनिया को छोड़ चल वहां पर। और कहते ऐसी नरमी से रूह निकालते हैं जैसे माँ दूध पीते बच्चे को दूध पीते जब वो सो जाता है तो उसके मुंह से अपनी पिस्तौल को आहिस्ता से निकालती है ताकि वो बच्चा जान न जाए, ऐसी प्यार मोहब्बत करती वही करती है। कितनी बरक लोग है मेरे भाई लोग, और जब इसे बहलाने के लेते हैं तो 500 फरिश्ते उसके बहलाने शरीक होते हैं, और जो इसका जनाजा घर से निकलता है तो 500 फरिश्ते इसके घर से लेकर कब्रिस्तान तक लाइन में खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये मरक मौत की ऐसी मरक मौतें मिलेंगी अगर दीन के लिए मेहनत करोगे, जान मान लगाओगे, खुद भी दीनदार बनोगे, अल्लाह के बंदों में दीन जिंदा हो इसकी फिक्र करोगे। हाँ, जिंदगी इसके लिए मेरे भाइयों, दुकानों में, बाजारों में, खेलों में, घूमने फिरने में गुजारने के लिए नहीं मेरे भाइयों, आखिर की अवर जिंदगी बनाने के लिए, आखिर की अवर जिंदगी मेरे भाइयों, मरने के बाद बसाई है, मौत का मसला, कबर का मसला, हजर का मसला, ये तमाम मसाइल इस पर आसान होंगे अगर दुनिया में हमने अपने आप को दीनदार बनाते हुए अल्लाह के नबी वाली मेहनत में जान मान लगाते हुए और अपने अल्लाह की ताक जिंदगी गुजारते हुए मेरे दोस्तों और नबी वाली मेहनत करते हुए दुनिया से जाएंगे तो हमारे तमाम मसाइल होंगे। कबर में जब डाल दो इसे कबर में सुनाया जाएगा तो जब लोग इन के वापस जाएंगे तो फरिश्ते आएंगे बशीर मुबशीर, और दोनों फरिश्ते आकर इस अल्लाह के बंदे से कहेंगे जन्नत का गद्दा लाकर गद्दा लगाकर बिछाकर उस पर इसको सुलाकर ये कहेंगे नम गरम बदलाउस सो जा, जैसे दुल्हन सोया करती है, तूने दुनिया में फजर की नमाज के लिए अपनी नियत को कुर्बान किया था, तूने अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी नींद को कुर्बान किया था, अल्लाह के दीन के तकाजों को तू जाता था, रात को नींद तेरी कुर्बान करता था, तूने अल्लाह के लिए दीन कुर्बान की है, अब जा कयामत तक मिट्टी में जो जा। खबर में इसकी मिट्टी नींद अल्लाह तक इसकी खबर को इतना चौड़ा कर देंगे जितनी आदमी की निगाह जाती है, और उसमें जन्नत की 77 खिड़कियां खोल देंगे, वहां से हवा आएगी, खुशबू आएगी और ये मीठी नींद सोएगा, अल्लाह के सिवा कुछ को खाएगा नहीं। ये मर्द जिंदगी मेरे भाइयों,
दुनिया बगते बगते मरना तो समझदारी की बात नहीं है। दुनिया तो जरूरत की चीज है, दुनिया की बात दुनिया के लिए करनी है, बाकी हमारी जबान है अल्लाह की याद से, जिक्र से, तिलावत से, खुदा की मखलूक को दिल भरी बातें समझाने से, और इसी में हमारी जिंदगी कमाई है। अल्लाह का नाम लेते रहते करो, चलते चलते अल्लाह का नाम लेने क्या कोई तकलीफ है, तस्बीह पढ़ने में क्या तकलीफ है। आदमी पता नहीं क्या क्या बढ़ते बढ़ते जिंदगी गुजारता है, बाजारों में चलता है और बोलता है अल्लाह का याद देखे बोलो के सब जो कसर से दुनिया में अल्लाह की याद करते हैं, जिक्र करते हैं, वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। अपनी जबान को अल्लाह के दिन जारी बनाओ, हाथ में तस्बीह रखो, तस्बीह जो तस्बीह तुम याद दिलाएगा अल्लाह अल्लाह करो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इसके पढ़ने के लिए न वजू की जरूरत है, न जब बैठने की, चलते फिरते भी वजू जिक्र कर सकते हो, बाजार में चलते चलते, क्योंकि बाजारों में जितना अल्लाह का जिक्र करोगे अल्लाह के इसका सवाल ज्यादा मिलेगा। अगर अल्लाह की जरूरत नहीं करोगे कुछ और करोगे, इस जबान को पढ़ने पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि घंटे बातें ही करते पता नहीं क्या बातें करते हैं। हाँ साहबी ने फरमाया, हुजूर से पूछा, हुजूर क्या ये हम जबान से जो बोलते हैं इस पर भी हमारा हिसाब होगा। हुजूर बाबा तेरी बात मुझे रोए, लोग अपनी जबानों की चलाने पर और जबानों से जो बोलते हैं इसकी वजह से इन्हें तो मुंह के बल घिसे पे जानवर डाला जाएगा। आप भी बोलना सीखे, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किसी को तकलीफ न पहुंचे, खुदा को नाराज करने वाली जबान हमारी न हो, ये तमाम चीजें मेरे जिंदगी में लाने की जरूरत है, इसके लिए मेहनत है। और इस मेहनत से मेरे खुदा हमारी आखिर भी बनाएगा और दुनिया और पगड़े बनाएगा। अल्लाह के रास्ते की मदद करने वाले और खुदा के दीन के लिए कुर्बानी देने वाले जब ये दुनिया से अल्लाह को राजी करके जाएंगे तो अल्लाह इन्हें कयामत के दिन वो जन्नत जिस जन्नत में 25 लाख घोड़े होंगी वो जन्नत देगा। हाँ असर तो है, तो असर तो आता है दुनिया को क्या करना, ये दुनिया के सब मैसो राजा और तमाम मैसो से बादशाह और दुनिया वाले सब चले गए, दुनिया में जो सबसे बड़ा मानदार था वो भी मर गया, सब यही छोड़ के गया, कुछ इसके साथ नहीं गया, दुनिया यही रह जाएगी, साथ आने वाली चीज यही है। अल्लाह की दीन की मेहनत है, ईमान और ईमान की मेहनत है, नमाज और अल्लाह की ताला जिंदगी है, और दुनिया में इसको जिंदा करने की मेहनत है। जो लोग दुनिया में गली वाली मेहनत दीन की मेहनत करोगे, दशकों में जाओगे अल्लाह के राम निकल कर लोगों मेहनत करोगे, हमारी मेहनत पर अल्लाह जितनों को हिदायत देगा और जितनों को नमाज की तौफीक देगा, जितनों को गुनाहों से तौबा की तौफीक देगा, और जो लोग दीन पर आने के बाद अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, लेकिन उनको दीन पर आने का जरिया हम बने हैं, तो अल्लाह इन तमाम का सवाब हमें देगा, उनको तो देगा हमें भी देगा। हम कब्र में मरकर चले जाएंगे और ये हमारे मरने के बाद भी अल्लाह की दीन की मदद कर रहे होंगे और अपने बच्चे के बच्चे हाफिज और आलिम बन रहे होंगे, इसका सवाब से खुदा हमें कब्र में पहुंचाता रहेगा। आखिर की कब्र की इजाजत है मेरे भाइयों, हम धोखे से निकले हैं, हाँ इस धोखे से निकलो, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया क्या मौत आगे जरूर देगी है, मुकद्दर की रोजी मिलती है, मुकद्दर का माल मिलता है, अगर किसी की दुनिया से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों दुनिया से इतनी मोहब्बत करना कि जो मोहब्बत हमारी आखिर को भुला दे, और दुनिया की इतनी मोहब्बत जिंदगी तक तो आने देना जिससे हमारे अखलाक निकल जाए, ये ठीक नहीं है। दुनिया की मोहब्बत अच्छी चीज नहीं है, दुनिया आती है आज भी है, आपकी दुनिया कितना कमाए कितना खाएगा, देर होगी,
बल्कि जितनी दुनिया ज्यादा आती है उतना आदमी का खाना कम होता है। एक आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहा है और बहुत बड़ा बाजार है, उसके खाना देर रोटी होती है और उसके कारखाने में मजदूरी करने वाले जितने हैं उनकी पांचवा रोटी वो खाते हैं। जितनी दुनिया और दुनिया के पीछे आगे बढ़ता है इतना टेंशन बढ़ता है उसका। खाना बेलज्जत हो जाता है इसका और इसकी जिंदगी में तंगी आती है। एक जोड़ी कपड़े पहनता है वो, चाहे 50 जोड़ी घर में पहनता है एक ही जोड़ी। घर चाहे कितना बड़ा बंगला बना है, 20 बेड का बना है, लेकिन एक कमरे में रात गुजारता है, एक ही कमरा होता है। चाहे 5 घर में कब गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में बैठता है, बाकी दुनिया की रखवाली करता है। मेरी दुनिया को चोरी न कर जावे, फिर कब्जा न कर ले, इसी टेंशन में रहता है मेरे भाई हो। इस मेरे भाई हो मुकद्दर की रोशनी तो अल्लाह देगा, उसमें हम अल्लाह के दीन के तकाजों को पूरा करते हुए अपनी नमाजों का इमाम पाबंदी करते हुए रोजाना जिस अल्लाह ने नेमत दी है मेरे भाई हो, तंदुरुस्ती दी है, सही साड़ी में रखता है, उसकी याद करो, उसका जिक्र करो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, और सोचो कि मेरे अल्लाह ने कैसी कैसी नेमत दी है। मेरी आंखें सही साड़ी है, मेरे हाथ पे सही साड़ी है, और दवाखाने में हम जाते हैं तो बेचारे की हालत बढ़े होते हैं। अल्लाह की नेमत को शुक्रगुजारी करो और नमाजों में अपने आप को लगाओ, इधर उधर बैठने को बजाय सिर में अपने हाथ को गुजारो, फिक्र में गिरावट में काम में दुआ को बढ़ता से अल्लाह की नेमत को शुक्रगुजारी करो। अल्लाह से अल्लाह तेरा शुक्र क्यों ना मुझे ये दिया, लेकिन मैंने तेरी नेमत की शुक्र मुझे माफ कर दे और मुझे तेरी बंदगी की तौफीक दे। अल्लाह से आदमी फकीरों की तरफ मांगो, इसलिए अल्लाह को तो हमारी बंदगी की कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है तेरे वाला वो है। इसलिए भाई हो ये आमान हमारी ना हमारा वक्त इनामान में लगना शुरू हो जाए। हमारी दुनिया की जो जरूरत है मेट्रो से दुकान में जाना आना जाना वो ठीक है, जाओ और उसके बाद का वक्त जो है इधर उधर जाएगा नहीं हो जाए, दीन की खत्म करो, मस्जिद वाले बनो, दावत की मेहनत में कष्टों में निकलना, मस्जिद में जिक्र में तिलावत में बैठना, मस्जिद में जितनी देर बैठोगे अल्लाह को याद करोगे, अब से गुनाह से तो बचेंगे और ईमान वालों की सिफत है। ईमान वाले अल्लाह की घर को आबाद करते हैं, आबाद करने वाले यही है, इन आमान में रखते हैं, दुआओं में जिक्र में तिलावत में, मस्जिद में तो बेचारा मुसाफिर आया है उसकी खिदमत करने में, तो खिलाना पिलाना ये भी हमारा काम है। हाँ, और अपने मोहल्ले में जिस बेचारे गफलत में है उनके पास जाना उनका हक है, उनके पास जाए उनके खुशामद करें, उन्हें प्यार मोहब्बत से समझा कर मस्जिद में ना आए। हाँ, अगर उनको मस्जिद में जाकर लाभुश होगा जैसे तुमसे उठा हुआ आदमी उसको मैं समझा कर तुमसे मिला दे तो मैं खुशी होती है। ये गाफिल गफलत में शैतान के चक्करों में आकर इन्होंने नमाजें छोड़ी हैं, अल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ा है, इन्हें समझा कर तुम अल्लाह से जोड़ोगे अल्लाह बहुत खुश होगा। इसीलिए हुजूर ने हदीस में फरमाया मौला अली मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तेरे जरिए किसी एक बंदे को हिदायत मिल जाए ये दुनिया व माफिया से बेहतर है। लेकिन ये भी मेहनत तो कितना मारू है। शैतान अपना काम करेगा, तुम किसी पर बात करोगे वो किसी से बातें करेगा, तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी, ये हिम्मत ना टूटे, सबर बताओ, सबर हमें मिले और इस मेहनत को खुदा क्या देगा इसका यकीन हमारे दिल में जब आ जाएगा तो फिर हर हाल में काम करते रहेंगे।
आपको इस मैरिज का फिर सिखाया था कि मुसलमान ने कैसे बात करनी, उसे कैसे इसे कैसे समझाना, वो गुस्सा गया तो मुझे क्या करना, मेरी औलाद जवान हो गई है, इस जवान औलाद को मुझे समझाने का क्या करना है। ये तमाम अल्लाह इस मेहनत की बरकत से सिखाए थे। अब इंशाल्लाह हमें खुदा अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा देगा, अल्लाह हमें अपने बंदों में शामिल फरमा देगा और हमें दूसरों की इजाज़त का जरिया बनाकर हयामत के दिन अगर इस मेहनत को करते करते मरेंगे तो अल्लाह ताला हमारा हज अपने जरिए के साथ फरमा देगा। ये फरमाते हैं हमारे भाइयों में कम कौन, तुम दुनिया में जिन फिक्रों के साथ जिस मेहनत के साथ मिल गुजारोगे किसी हाल में तुम्हारी बहुत आएगी, तुम्हारी अमूतों के पास हो और जो मेहनत करते करते मरोगे उन्हीं के साथ रह जाओगे। नबी वाली मेहनत करते करते मरेंगे तो हमें अल्लाह अपने नबी के साथ रहेगा। बहुत बड़ी चीज है ये मेहनत तो जरूरत नहीं है, ये नहीं ऐसा वो मेहनत है। और कुरान अल्लाह ने इसको फरमाया है अल्लाह की तरफ बुलाना ही मेरा काम है और हर उस आदमी का काम जो मेरा पैरो है जो मेरी किबा करने वाला है। हमारे जिम्मे मेरे भाइयों देर पर लोगे और फैसला करोगे अल्लाह काम देगा। अल्लाह को हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। हम जब इस बात पर आगे ऐसा हमें भी अपनी नबी वाली मेहनत के लिए कबूल कर ले। मैं भी तेरी नबी वाली मेहनत करना चाहता हूँ मेरे भाई मेहनता, इस दुनिया कभी ना की मोहब्बत को निकाल कर तेरी मोहब्बत मिल जाएगी। तो इस बारे में दिल में इस बात को ठानोगे अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, आसान कर देगा। आज की फैसला के रहती से मुख्य मंत्र ये कह रहा है आदमी भी मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा उम्मीद रखिएगा मैं वैसा ही मामला करूंगा। अगर आप ये तय करोगे मैं कमजोर हूं मैं तो बहुत मशाफिर में हूं लेकिन मेरा अल्लाह मेरे लिए आसान करेगा, और अल्लाह से आसानी की उम्मीद करके तय करोगे फैसला अल्लाह आसान कर देगा और अल्लाह इन मुश्किल से निकाल देगा और दुनिया की मशाफिर से निकालकर खुदा अपने दीन की मेहनत के तुम्हारे की जान पर लगाने की कमर दे देगा। फैसला करना पड़ेगा आपको। एक बात कहा करता हूं कि जुमा के दिन हमारी मस्जिदें भरी हुई होती हैं और 5 बजे की नमाज हमारी मस्जिदें खाली होती हैं। जुमा के दिन सबको नमाज पढ़ने की तौफीक कौन देता है, अल्लाह देता है। 5 बजे की नमाज की तौफीक क्यों नहीं मिलती, सोचने की बात है मेरे भाई मेरे अजीजो। जुमा की नमाज के पढ़ने के बारे में कैसा ही मुसलमान हो उसके अंदर का ये फैसला होता है कि जुमा की नमाज नहीं छोड़ूंगा, जुमा की नमाज को पढ़ूंगा, इसके अंदर का फैसला है। जिसकी बुनियाद तो अल्लाह इसे जुमा की नमाज में कहीं भी होता है अल्लाह उसे तौफीक देते हैं और मस्जिद में जाते हैं। हमारी मस्जिद में कोई नमाज पढ़े जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए और तुम जुमा के दिन जब दरवाजे से निकले इतना तो पूछ लो कि भाई आइंदा जुमा को नमाज पढ़ने आओगे तो जाते जाते रुक जाएगा आगे निकलेगा, ये क्यों पूछता है तू तो? और ज्यादा तुम इस तरह करोगे कि क्यों पूछता है, मैं मुसलमान नहीं हूं तेरे बाप की मस्जिद है पूछता है, जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ूंगा क्यों कहेगा वो अंदर से। अभी आइंदा जुमा को नमाज पढ़ने का अभी समझने का फैसला ये है जुमा की नमाज तो नहीं छोड़ूंगा पढ़ूंगा, अल्लाह उसको जुमा के दिन तौफीक देता है मंजूरी ना देता है। लेकिन उसी को अगर तुम पूछोगे भाई अल्लाह ताला जुमा की नमाज कबूल फरमावे असर की नमाज में आओगे तो वो मेरे दोस्तों इंशाल्लाह कह के चलना शुरू कर देगा, उसके अंदर का फैसला ही नहीं है, उसके अंदर का फैसला नहीं मेरी 5 बजे की नमाज पढ़नी है तौफीक नहीं मिलती। हालांकि जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज को 2-3 घंटे बाद के अंदर होते हैं, 3 घंटे के बाद भी भूल जाता है तो फिर नहीं है। अगर हम अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए फैसला करेंगे उसके साथ सच्चाई का मामला, तो अल्लाह के नबी ने इस बात को फरमाया है जो अल्लाह से सच्चाई का मामला करेगा अल्लाह उसे सच्चा कर दिखाएगा।
देखिए बहुत से हमारे भाई जमात में निकलने से पहले नमाज के पाबंद नहीं थे, अल्लाह के रहमत निकले, चार महीने लगाए, अंदर अल्लाह ने ईमान बनाया, ईमान बनने के नतीजे में उन्होंने ये तय किया कि पांच मिनट की नमाज की पाबंदी करनी है। और इसमें बहुत से वो हैं जिन्होंने तहजुद की नमाज का फैसला किया, तो पांच मिनट की नमाज भी अदा कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे रहा है, जमात से पढ़ने की तौफीक दे रहा है, तहजुद को उठने की खुदा तौफीक दे रहा है। और इसमें से बहुत से वो होंगे जिन्होंने कई गुनाहों से तौबा की होगी, अल्लाह तौफीक देता है। आप वजह से मैं विदा के दोस्त वही हो यूं मचल दो कि आपको जमा करना सुनाने के नहीं कह रहे हैं। मेरे भाइयों एक मेहनत छूटी है, जिस मेहनत के छूटने के नतीजे में हमारी जिंदगी में गफलत आई है, हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारे जिंदगियों से दीन निकल गया, हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं, हम अपने घरों का माहौल हमने दीनी बनाना छोड़ दिया। अब मेरे भाइयों उस मेहनत पर आने की जरूरत है, अपने आप को इस मेहनत पर लाओ और अल्लाह के लिए दुनिया को कुर्बान करो। अगर तुम अल्लाह के दिन के लिए दुनिया को कुर्बान करोगे, अल्लाह इससे बेहतर तुम्हें अता फरमा देगा। हाँ, अल्लाह वाले कहते हैं कि जो अल्लाह के लिए अल्लाह के दिन के लिए जो कुछ छोड़ेगा खुदा इससे बेहतर को अता फरमाएगा। हाँ, दीन आएगा, दीन अपनी तमाम बरकत लेके आएगा मेरे भाइयों, और हमारी आखिरत बन जाएगी। असल तो आखिरत है मेरे भाइयों, हमें से कोई आगे हया पी के नहीं आया, रोजाना बहुत करीब आ रही है और एक हाथ एक हाथ एक होता है हम मर जाएंगे मेरे भाइयों। आज हम ये कह रहे हैं भला मेरा रिश्तेदार मर गया, कल को लोग हमारे बारे में कहेंगे कि मर गया, क्या होगा मेरे भाइयों अगर हमने अपनी जिंदगी ग्रोह को ठीक नहीं किया। अगर हम आज भी फैसला करें कि नहीं अब जिंदगी ग्रोह को ठीक करना है, वो ईमान सीखना है जो ईमान अल्लाह चाहता है, वो नबी ने नमाज का सीखकर सीखेंगे, जिंदगी में दीन को लाना है, इसके फैसले के लिए मेरे दोस्तों आप अपना अमली कदम खाओगे, अल्लाह के राह में निकलने के फैसले करोगे और मेहनत करोगे, और मेहनत करते करते मर गए तो इंशाल्लाह हमारी नीयत के मुताबिक खुदा हमें उन ईमान वालों की तरफ खाएगा। हाँ, इसलिए भाई अल्लाह से गुजारिश है सबके सब पहले तो ये कि अब तक अल्लाह के दीन की मेहनत में अपनी जान माल को नहीं लगाया, जिस मेहनत के लिए खुदा ने जान माल दिया था और हमने अपना भारी नुकसान किया है, इस पर तो तौबा करो, नहीं किया है अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। और आइंदा के लिए फैसला करो कि आइंदा के लिए दीन की मेहनत के साथ दुनिया का काम करेंगे, अपने दुनिया में है दुनिया के तकाजे उसको पूरा करना है, लेकिन दीन की मेहनत के साथ नबी वाली मेहनत के साथ जो हमें नबी ने हमारी जिम्मेदारी रखी है उसको करते हुए ये करेंगे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे लिए आसान भी करेगा और इस दीन की मेहनत की बरकत से हमारी दुनिया भी दीन बन जाएगी और अल्लाह ताला दुनिया में इज्जत दे देगा, परेशानियों से निजात, तंगियों से निकालेगा, दुश्मनों से निकालेगा और अपनी बरकत और जिंदगी अदा फरमा देगा, इज्जत दे देगा और मौत का दिन खुशी का दिन होगा, अल्लाह की मुलाकात का शौक होगा, अल्लाह की मुलाकात का शौक दिन में पैदा होगा। जिस अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह के प्रति की मोहब्बत को दिलों में लाने के लिए, पैदा करने के लिए हम दुनिया को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, जब मेरे दोस्तों अंदर वो पैदा होगी तो ये मौत का दिन खुशी का दिन होगा, मौत का दिन खुशी का दिन होगा। और दुनिया से जाओगे हजारों इंसान तुम्हारी दुआएं कर रहे होंगे दीन की मेहनत की वजह से। अभी तो तुम इस चेहरा में अपने अपनी बस्तियों में जो तुम्हारी बस्ती वाले पहचानते हैं, लेकिन अल्लाह के राह में निकलते रहोगे, तीन दिन देहातों में जाओगे, जिन दिन देहातों में जाओगे वो तमाम देहात तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हें देख कर सलाम करेंगे, उनके पास तुम गए अल्लाह के दिन के खातिर और उन्हें मस्जिद में जाने की फिक्र तुमने की है, ये तुम्हारे तुम्हें देखकर मोहब्बत की निगाह से खुश होंगे। जहां जिन जिन इलाकों में जाओगे उन इलाकों में लोग तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हें याद कर तुम्हें टेलीफोन करेंगे कि आप हमारे आए थे, हम हमें घर की मुलाकात के लिए आए थे, तुम्हारे आने के बाद मैंने नवा शुरू कर दिया मेरे भाइयों। और जिस दिन दुनिया से मर कर जाएंगे तो अपने पीछे हजारों इंसानों को रोका छोड़ जाओगे, अगर हमने अपने आप जिक्र नहीं की तो ये दुनिया वक्ते वक्ते मर जाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा कौन गया कौन आया। इसे सब ये सब तय करो कि इस नबी वाली मेहनत को बहुत तक करेंगे। अरे करोगे? इंशाल्लाह।
आपके लिए करियो अपने लिए, ये तुम्हारे हमारे तुम्हारे साथ आएगी। और इस मेहनत में अपनी औलाद को लगाओ, अपने जवान बच्चों की खुशामद के समझाकर लगे तभी और मेहनत में लगे। अगर करने के कामों में लगेंगे तो अल्लाह न करने के कामों से बचा लेगा, अगर करने के कामों में नहीं लगे तो जिंदगी तो कहीं न कहीं लगनी है, पता नहीं कहां कहां लग जाएगी। और हर एक अपना हिसाब करे, घर जाके सोने से सोचियो मेरी जिंदगी कहां कहां लग रही है, मेरा वक्त कहां कहां लग रहा है, मेरा माल कहां लगा, मेरी ताकत को कहां लगी। रोना आएगा रोना, अगर समझदार आदमी है तो। इसी मेरे भाइयों आप आजाद से हमारी गुजारिश है, आज की मजलिस में इसका फैसला करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह का बंदा बनकर इन अल्लाह की इताअत में रहूंगा, ये चाहे जिंदगी नहीं, खुदा को नाराज करने वाले काम नहीं करूंगा, अल्लाह को राजी करने वाले जिंदगी आमाल वाली जिंदगी गुजारते हुए अल्लाह का बंदा बनकर अल्लाह के नबी का उम्मती बनकर नबी वाली मेहनत करते हुए जिंदगी गुजारूंगा और अल्लाह के रास्ते की मेहनत लगूंगा। करोगे अरे भाई करोगे, कौन कौन करेगा तो हाथ मुझे करो, जरा मुझे करो, सबके दिखे पीछे वाले भी, पीछे वाले भी हाथ मुझे करो, अल्लाह को पेश कर, अल्लाह के सामने पेश हो जाओ, अल्लाह कबूल फरमा ले। किसी मेरे भाई हो आप अल्लाह से एक बात गुजारिश है, जब दिन में एक बात को तय किया है तो उसको करने के लिए कुछ अपनी तरकीब बनाओ। अभी जिस मौका है मेरे दोस्त को एक बात सोची गई है, बकराई आने वाली है, एक डेढ़ महीने के बाद, एक डेढ़ महीने के बाद चार चार महीने, हिम्मत तो निकल जाओ, मुश्किल नहीं है, जो अल्लाह जिल्ला आसान करेगा वो चार महीने भी आसान करेगा। चार महीने की बड़ी बरकत है, चार महीने में आदमी समझ दीन की मेहनत को समझता है और उसकी जरूरत को समझता है और फिर समझ कर काम करता है, बहुत तो करता है आदमी जो समझ लेता है तो। और चिल्ले में, चिल्ले में मेरे दोस्तों फायदा होता है, अभी समझ नहीं आई वहां काम, जैसे दुकान की नफे को समझा है आदमी, दुकान की मेहनत को, तो आदमी दुकान बंद नहीं करता, दुकान छोड़ता नहीं। और छोटे बच्चे के समझ में अभी कुछ आया नहीं, दुकान में बैठता जरूर है लेकिन दुकान समझ में नहीं आई और दुकान की समझ नहीं आई तो वो लापरवाही नहीं करता है। मत हो 10 बजे आएगा 12 बजे आएगा, लेकिन जिस चीज की समझ आदमी में आ जाती है और उसका नफे पर आदमी समझ लेता है तो फिर आदमी करता ही रहता है। चार महीने में अल्लाह दावत की मेहनत की समझ देते हैं, चार महीने में ईमान बनेगा, अमान बनेंगे, 24 घंटे की जिंदगी सुन्नत पर गुजरेगी हमारी। जो आदमी चार महीने इस माहौल में रहेगा और इन आमाल से उसको मोहब्बत और ताल्लुक पैदा हो जाएगा, फिर छोड़ेगा नहीं। चार महीने में तासीर रखी अल्लाह ने, हाँ हालात के बदलने की, इंसान माँ के रहम में हमल करार पाता है, हमल पर जब चार महीने गुजर जाते हैं तो इस चार महीने में अल्लाह तआला उसे पूरा इंसान का जिस्म तैयार कर देता है। पहले चिल्ले में जो पानी था उसे खून खुदा बनाता है, तो खून बनता है, दूसरे चिल्ले में इसका गोश्त का डोसा तैयार करते हैं अल्लाह किया, और तीसरी चिल्ले में पूरा जिस्म तैयार कर देते हैं, और चार महीने के बाद फिर अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं इसमें रूह डाल के आ जाओ, उसमें रूह आ जाती है, अब ये हरकत में आ जाता है। ऐसे चार महीने जब इस गलत माहौल में, गफलत का माहौल है जिस माहौल में हम रह रहे हैं, गफलत का माहौल है, आखिर के भुलाने वाला माहौल है, और दुनिया एक कमीना के तस्करे हैं जिससे हमारे दिल सिया हो रहे हैं, दिलों में अंधेरे आ रहे हैं। इस नफरत के माहौल को जब चार महीने छोड़ोगे और मस्जिद जो हमारी हिदायत का मरकज है, तरबियत की जगह है, जहां अल्लाह की रहमत आती है और हिदायत खुदा देता है, उस मस्जिद में चार महीने एक माहौल बनाकर रहोगे दावत का, दीन का, और मेरे दोस्तों 24 घंटे उसी फिक्रों में गुजरेंगे और अल्लाह के नबी की पाक हदीसें नूरानी हदीसें मेरे दोस्तों घंटों तक सुनते रहोगे, इसके नतीजे में दोस्तों अल्लाह दिल की दुनिया को बदलेगा। और इंशाअल्लाह चार महीने का जाने के बाद आदमी अपने घर के अपने कारोबार को अपने दिन के काम के साथ जोड़ के चलेगा, जो औकात हमारे बेकार जाये हो रहे थे और दिन के कामों जाए होंगे, दिन के कामों में दोस्त मशगूल होंगे। हाँ
अल्लाह के बंदों की बलाकतों और मेहनत में और अल्लाह के मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करने में, ये तमाम चीज़ें मेरे दोस्तों मैं दे देगा। इसी वजह दोस्तों सब किस तय करो कि इंशाअल्लाह ये बकरा ईद के बाद जो जमात बंदे पर रही है उसके इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ात से 4 महीने खुद भी लगाऊंगा और अपने दोस्तों को मैं दोस्त अहबाब को भी इंशाअल्लाह तैयार करके बकरा ईद के बाद जमात 4 महीने बनाकर नहीं रहेंगे। सब तैयार हो, अरे निकलोगे, सब तैयार हो, अपने आप को पेश करो, पहन करो कि इंशाअल्लाह बकरा ईद के बाद 4 महीने की जमात में मैं जाऊंगा और अपने साथ अपने दोस्तों को तैयार करूंगा। अब खड़े होकर बोलो, बोलना शुरू करो और पहल का सवाब लो, जो पहला पहल करेगा खड़ा होगा, इसके बाद और सारे जितने भी खड़े होंगे सबका सवाब तो मिलेगा। अब पहल का सवाब लो, खड़े होने शुरू करो। जितने हमारे भाइयों में अगली 3500 मैच के पहले की 3500 में आपसे बातचीत हुई है, तश्कील हुई है, उसमें हमने यादें किए हैं कि इंशाअल्लाह हम ये 4 महीने के लिए हम जाएंगे, वो सब खड़े हो जाओ। माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाता है कि जानों में, मालों में, ईमान में, अमाल में, आबरू में इज्जत मुकद्दर बरकत नसीब फरमाए। हाँ, खड़े रहो माशाल्लाह, और खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। जिनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी आप तक पर डालो, अल्लाह आसान कर देगा। तय करो, खड़े हो जाओ, अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करो, नमाज पढ़ के अल्लाह से कबूल करवाओ, अपनी बस की कोशिश करोगे वक्त पर इंशाअल्लाह निकलना आसान हो जाएगा। अपने आप को पेश करो, खड़ा होना शुरू करो। माशाल्लाह भाई, आप अभी ना उठो, और मेरे भाई आप बैठ जाओ, और मेरे भाई हो, दोनों भाई हो, बैठ जाओ, अल्लाह आपकी दुआ कर दे, माहौल न बनाओ, बैठे रहो, न जाना है, हिम्मत नहीं पड़ती, अल्लाह से दुआ मांगो। ऐसा इतनी बड़ी मेहनत के लिए हमें कहा जाए, मेरी हिम्मत नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझे तौफीक दे, मुझे हिम्मत दे, और इस बच्चों को हिम्मत दे, दुआ करते रहोगे ना तो अल्लाह महरूम नहीं करेगा इंशाअल्लाह। नदामत करोगे तो खुद आगे के लिए रास्ते खोलेगा। बैठे रहो, उठो मन, उठने का माहौल न बनाओ, ना पीछे वाले ना आगे वाले, इतनी देर बैठे हो, अब दुआ कर, तश्कील पूरी होने तक बैठे रहो, अल्लाह से दुआ मांगो पूरी उम्मत के लिए, अपने लिए जे और करना शुरू करें। और दूसरे हमारे जितने इलाके वाले आए हैं, ये हमारे ओगरम्बा वाले हैं, और मेरे भाई तो अतीकपुर है, और हमारा मुंडारा है, ये कहाँ की शादी जो है उसको खड़े हो जाओ। और हमारे इस मेरे दोस्तों हमारे ये शहरा का घर घर का आके खड़ा, एक एक घर से एक आदमी निकले तो इंशाल्लाह उस घर में अल्लाह दीन के दादा के दरवाजा खोलेंगे, और इसकी कुर्बानी से खुदा पूरा घराने को पूरा करेगा। हर घर से एक आदमी बन जाएंगे, खड़े होना शुरू करें। और शहरा के घर, शहरा वाले तो हर घर से आदमी खड़ा हो, खुद भी खड़े हो और अपने दोस्तों को खड़े करो। यही है मेरे दोस्तों, यही करने की चीज है। हाँ, जब इसका नफा बढ़ जाएगा ना, फिर तुम्हारी इतनी मेहनत तो खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन निकलोगे तो आप बात समझ में आएगी। अपने आपको पेश करो, हाँ भाई, और बोलो, और खड़ा शुरू करो। हाँ भाई, और करो, हम सबसे आप सबसे कह रहे हैं मेरे भाइयों, जो हमारे आगे बैठे हैं उन्हें तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। हालात को देखोगे कभी कभी मेरे तो हिम्मत नहीं करोगे, अल्लाह की तरफ देखोगे कि मेरा अल्लाह आसान कर देगा, अल्लाह आसान करके तुम्हें चलाएगा। अल्लाह पर निगाह करो, इधर उधर मत देखो, हालात को मत देखो, हालात तुम रहोगे तब भी हालात का सही करना तुम्हारे बस में है ही नहीं, तो अल्लाह ही की कुदरत में है। अल्लाह की दीन की वजह के लिए कदम उठाओगे, अल्लाह इसकी वजह से तुम्हारे हालात दुरुस्त करेगा। अपने आपको पेश करो, हिम्मत है मरता तो मदद है खुदा, आदमी की हिम्मत और खुदा की मदद आती है दोस्तों। हाँ, जब हिम्मत की टोला नहीं है तो पत्थर भी मिल पानी है। जब आप कहता के दी के तहादुर लबैक कहता है ना, तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है। हाँ भाई, खड़े में करो, खड़े में शुरू करो। दिल में तो बात आई है, शैतान की बात को मत मानो। हदीस में आता शैतान रहे जब मुठवा करो,
तुम अल्लाह के लफ्ज उठाना चाहोगे कैसा तुम्हें तंगी से नुकसान से डराएगा, ये होगा ये होगा, कुछ नहीं होगा। जो होना है वो लिखा जा चुका है और अल्लाह की मदद यकीनी है जब हम अल्लाह के दीन के मंदिर खड़ा होंगे। अपने आप को पेश करो, देखो कौन खड़ा होता है हमारे सामने से, ये मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ, मेरा अल्लाह मेरे लिए आसान करेगा। हाँ भाई, खुद भी मैं खड़े हूँ, अपने आसानी अपने दोस्तों के साथ जाऊँ और खड़ा करूँ। जिंदगी दे रखी है, हाँ ये जिंदगी से फायदा उठा लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह अपनी रहमत का आवाज में ले लेगा आपको, खड़े हो जाओ और दुनिया को अल्लाह के हवाले करो, दुनिया तुम्हारी अल्लाह द्वारा बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि मदद खुदा मदद करेगा तुम्हारी, खड़े हो गए बोलो, खड़े हो जाओ। बहुतों ने इरादे किए थे दोपहर की मजलिस पे और मैं 10 बजे भी बहुत से साथी में वो तमाम खड़े हो जाओ, वो तमाम खड़े हो जाओ। अभी मेरे पास माशाल्लाह जैसा के बाद हमारे बहुत से सहरा के साथी आए थे जिन्होंने तय किया था कि इंशाल्लाह हम बकराईद के बाद जब जाएंगे, वो खड़े हो जाओ मेरे दोस्तों, अपने आप को पेश करो अल्लाह की बारगाह में, अपने आप को पेश कर अल्लाह में हम तैयार है, अल्लाह आसान करेगा आपके लिए। सबकी जरूरत की चीज है, हम महसूस कर रहे हैं, इरादा करेंगे अल्लाह की जात पर भरोसा करके तो अल्लाह पर आसान भी कर देगा। ये हिम्मत के साथ बताओ भाई, अपनी जरूरत समझ के बताओ। शैतान तो आदमी को डराता कि हमारा दुश्मन है, तंगियों से डराता है कि तू जाएगा तो यूं होगा यूं होगा, लेकिन आदमी हिम्मत के साथ जब एक कदम उठा देता है तो अल्लाह ताला शैतान के दाव को कमजोर कर देता है और आदमी के लिए आसानी कर देता है। बहुत जमाना हो गया दोस्तों बातें सुनते सुनते, फैसला करेंगे अल्लाह आसान करेगा, तो हिम्मत के साथ हमारे ये सारे नौजवान समझदार लोग हैं, बताओ भाई हमारे तो असर के बाकी मौलाना के सामने जो नाम आए थे आगे भी खड़े हों, एक दूसरे को देखकर हिम्मत अफजाई होती है। बहुत बहुत फिक्र की बात है कि पूरी पूरी बस्ती में गुजिश्ता साल भी 14-15 साथियों के अलावा बहुत सबका वक्त था, चार चार महीने की जमात दो दो तीन तीन एक साथ भी निकली है इस बस्ती से, अल्लाह ने इस्तेदाद रखी है। अब तो थोड़ी हिम्मत करो भाई, फैसला करो, जैसे अभी सुना कि फैसला करोगे तो अल्लाह आसान करेगा, बताओ दोस्तों।
करो भाई, हिम्मत मरता तो मदद खुदा माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाओ, अल्लाह इनकी जवानी को कबूल फरमा दे और इनके मसाइल को अल्लाह पाक हल फरमा दे। आमीन तो बहू है और आपके लिए भी अल्लाह आसान फरमा दे, आपकी दुआ कबूल हो रही है। खड़े होकर बताओ, बताओ भाई हिम्मत के साथ, रास्ता तो खुला हुआ है दोस्तों, हम चलना शुरू करेंगे आगे खुला हुआ रास्ता मिलेगा। खड़े होकर बताओ, बताओ मेरे भाइयों, मौका है, हाँ भाई खड़े होकर बताओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शर्मा दिखियो, चांद माँ तो लगने वाली चीज है, नहीं लगाएंगे तो भी इस दुनिया छूटने वाली दुनिया पे लग जाएगी, बाकी रहने वाली आखिरत हमारे सामने है, उस पर जान माल लगेगा तो हमेशा की जिंदगी में इसका बदला मिलेगा। अपनी जिंदगी के हर काम को दीन बनाने और इबादत बनाने के लिए इनकी मेहनत को सीखना है और इसलिए जमातों में जाना है, बहुत बड़ा काम है दोस्तों। अपनी सलाहियत और आवरत से दफ्तर की एक कमाई होती है, अपनी सलाहियत और आवरत से एक मैकेनिक की कमाई होती है, अपनी सलाहियत और आवरत से एक मजदूर की कमाई होती है, कमाई सबकी होती है, जिसने अपनी आवरत और समझ में कमाल पैदा किया इसकी बहुत बड़ी कमाई होती है। इसी तरह मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों जान और मान और सलाहियत अल्लाह पाक ने अमानत के तौर पर दी है, दीन की मेहनत में लगाएंगे आखिरत का बहुत बड़ा सरमाया बन जाएगा, नहीं लगाएंगे तो छूटने वाली दुनिया पर खा पी कर खत्म हो जाएगा और कयामत के दिन हिसाब बाकी रहेगा।